हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बनाएंगे डिजाइनर स्टाइलिश नेक पैटर्न। इसे आप कोई भी कुर्ती या कमीज में बना सकते हैं और ये बनाना बहुत ही आसान है। सो गाइस, लेट्स क्विकली स्टार्ट। सबसे पहले मैंने ये डेमो पीस कट कर लिया है जिसमें हम इस नेक पैटर्न को बनाएंगे। तो मार्किंग करते हैं। तो ब्रॉडनेस में लूंगी नेक की 4 इंचेस और लेंथ में लूंगी यहाँ पे 3 इंचेस। अभी यहाँ पे राउंड शेप बनाऊंगी इन दोनों को मिलाते हुए। तो हमें इसे कट कर लेना है। इसे हम ओपन कर लेते हैं। अब इस तरफ में 3 इंचेस डाउन पे मैं एक मार्क करूंगी। अब यहाँ पे मैं कुछ लीफ जैसा शेप ड्रॉ करूंगी इस तरह से। और यहां से मैं बस स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी और स्ट्रेट लाइन में अप्रॉक्स यहाँ से 7 इंचेस तक रखूंगी। तो यहाँ से यहाँ तक बस स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है उसे हमें कट कर लेना है। जैसे हमने ड्रॉ किया है वैसे बस हमें इसे कट कर लेना है। तो ये हमने शेप कट कर लिया है। अब यहाँ पे हम पाइपिंग करेंगे। सबसे पहले हम ये राउंड शेप बनाएंगे। तो ये मैंने क्रॉस में इस तरह से स्ट्रिप कट कर ली है जिसे हम इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमें 2 फोल्ड करके यहाँ पे रख के हमें सिलाई करनी है। इस पूरे राउंड शेप में हमें इसे सिलाई करनी है। तो यहाँ तक मैं इसे 2 फोल्ड करके सिलाई करूंगी। सिलाई करने के बाद ये देखिए हमने सिलाई कर दी है। अब यहाँ पे हल्के हल्के हाथों से हमने नॉचेस लगाने हैं। नॉचेस लगाने के बाद हमें इसे रॉन्ग साइड पे इसका इस तरह से टर्न करना है और इस तरह से हमें पाइपिंग निकालनी है। उसके बाद हमें यहाँ पे कवर सिलाई लगाएंगे ताकि ये यहाँ पे फिक्स हो जाए। तो ऊपर बस हमें सिलाई लगा के इसकी पाइपिंग करनी है। तो ये हमने पाइपिंग कर ली है। अब इसी तरह की पाइपिंग हमें ये पूरे शेप में बनानी है। तो वापस मैंने इस तरह से क्रॉस में स्ट्रिप कट कर ली है। इसे हम इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम इसे रखते हुए सिलाई करेंगे। तो इस पूरे शेप में हमें इस स्ट्रिप को लगाना है यहाँ से यहाँ तक। तो बस सिलाई करनी है हमें। ये सिलाई हमने कर दी है। अब यहाँ पे हल्के हाथों से नॉचेस लगाने के बाद हमें इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करना है इस तरह से। और इसी तरह की पाइपिंग हमें पूरे शेप में बनानी है। तो यहाँ पे बस कवर सिलाई लगाते हुए हमें पाइपिंग निकालनी है। ये देखिए हमने पाइपिंग बना ली है। अब यहाँ तक हमें इस शेप को हम बंद कर देंगे। तो इस तरह का ये मैंने रेक्टेंगल पीस कट किया है। इसे मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी और हमें ये जो हमने स्ट्रेट कट लगाया है यहाँ इसके नीचे में रखूंगी इसे। और यहाँ से ऊपर से सिलाई लगाते हुए हम इस शेप को बंद कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए हमने सिलाई लगा के यहाँ पे इसे फिक्स कर दिया है। और यहाँ पे हम बटन लगा के इस शेप को बंद करेंगे। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल्स लगाने वाले हैं। ये जो हमने शेप बनाया है इसके लिए मैंने इस तरह का रेक्टेंगल पीस कट किया है। इसे मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और वापस इस तरफ से भी मैं फोल्ड करूँगी। तो इस तरह का कुछ ट्रायंगल बनेगा।
इसी तरह के मैं और ट्रायंगल्स बनाऊंगी और इस तरह से अल्टरनेट कलर्स में मैं इसे रखूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे सिलाई लगा के इसे फिक्स कर दूंगी और उसके बाद हम इसे इस शेप में इसे रखेंगे अच्छे से। यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट करने के बाद हमें सिलाई करनी है, तो यहाँ पे सिलाई करेंगे और इस तरफ भी हमें सिलाई करनी है। ये देखिए हमने सिलाई लगा के इसे फिक्स कर दिया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है बैक साइड का उसे हमने कट कर लिया है। तो इसी के साथ उसके बाद मैंने यहाँ पे बटन्स लगा दिए हैं और ये हमारा नेक बिल्कुल तैयार है। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजीली आप इसे बना सकते हैं। सो गाइस, तैयार है हमारा डिजाइनर स्टाइलिश नेक पैटर्न। अगर आपको हमारी डिज़ाइन पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।